हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और आ चुके हैं हम अपने यूजुअल स्पॉट पे। एक बहुत ही मज़ेदार वॉच अलॉन्ग रहा लपाटों के साथ चैंपियंस लीग फाइनल का। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो प्लीज़ चार लपाटे चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर वॉच अलॉन्ग के रिएक्शन ज़रूर देखिए हमारे। सब लोग थे, इट वॉज मी, मोहक, दिव्यांश, मुक्तेश, रेवू, प्रतीक, शोभित, एवरी वन वॉज देयर। वी हैड अ लॉट ऑफ फन और बहुत मज़ा आया। और जब दोस्तों के साथ आप चैम्पियंस लीग फाइनल देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत मज़ा आया। और वापस आ चुके हैं हम, अपने घर ट्रैवल कर रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि यार आराम से बैठ के ना रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या हुआ मैच में, सीज़न कैसा रहा मैन सिटी का, फिर मैं अपना रिएक्शन दूंगा। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैन सिटी फैंस यार, बिग मोमेंट। ट्रैवल पूरा करना मतलब ये अनरियल है मेरे लिए। तो स्टिल इट्स अ ड्रीम कि चेल्सी अगर कभी ट्रेबल जीतेगी तो दैट वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और एक ही सीज़न में तीनों चीज़ें कर दी मैन सिटी ने। थ्री पीट कर दिया प्रीमियर लीग में, चैम्पियंस लीग जीत लिया और ट्रेबल भी जीत लिया। तो मतलब काबिल तारीफ़ काम किया है पेप गार्डियोला और मैन सिटी ने। तो मैन सिटी की तो मैं बात करूँगा, लेकिन पहले मैं मैंशन करना चाहता हूँ इंटर मिलान को। आई थिंक इंटर मिलान ने जिस तरीके से फुटबॉल खेली, सबको ये लग रहा था यार, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लग रहा था, चलो सबकी नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ड्रबिंग, मिनिमम 3 या 4 गोल मारेगी मैन सिटी जिस तरीके से इंटर मिलान खेल रही थी। बट एक प्रॉपर प्लान के साथ आई। इट वॉज नॉट लाइक कि डीप डिफेंड कर रहे थे, पार द बस कर रहे थे। उनको पता था कि किस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड प्रेस करना है। केडीबी को जिस तरीके से शांत रखा, डिलीवरीज जो हैं केडीबी की सही नहीं आ रही थी शुरू में, ऑल दो शायद इंजरी का भी उसमें कुछ पार्ट रहा होगा। और काउंटर अटैक पे चांसेस मिल रहे थे इंटर मिलान को, और बाद में 1-2 चांसेस भी अच्छे बनाए उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कन्वर्ट नहीं कर पाए उन चांसेस को। और क्वालिटी की कमी दिखी थी फाइनल थर्ड में। अगर वहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी दिखाती इंटर मिलान तो शायद दिक्कतें पैदा हो सकती थी मैन सिटी के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगा बैंग ऑन, बहुत ही अच्छा टैक्टिकल प्लान था जो एग्जीक्यूट भी हुआ। इट्स जस्ट दैट कि वो एक फिनिशिंग टच जो चाहिए था वो नहीं मिला। लुकाकू की परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन वो जो 2 मोमेंट है ना वो लोगों के दिमाग में रह जाएंगे। एक तो वो जो ब्लॉक हो गया, आप देखिए लेट्स फेस इट, वो जो ब्लॉक हुआ है उसमें प्लेयर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो जो चांस मिस किया, रॉबिन गोसेंस ने जो क्रॉस डाला और जो हेडर लुकाकू ने सीधा एडरसन पे मार दिया, आई थिंक एक बेटर फिनिश वहाँ पर कर सकते थे लुकाकू। और मैच में अगर इंटर वापस आती तो शायद दिक्कत हो सकती थी मैन सिटी के लिए। अगर आप XG स्टैट पे भी नज़र डालेंगे, 2.07 का XG एक्यूमुलेट किया था इंटर मिलान ने और 0.95 का ही था मैन सिटी का। तो चांसेस बना इंटर मिलान ने, तो ह्यूज क्रेडिट गोज टू इंटर मिलान। मतलब एक ऐसा लग रहा था हमको कि वन साइडेड फाइनल नहीं हो जाए कहीं, मतलब ऐसा। सिटी और इंटर मिलान में इतना ज़्यादा गैप है क्वालिटी का, लेकिन वो दिखाया कि इंटर मिलान एक भूख के साथ आई थी, एक कप फाइनल में जीतने के इरादे से आई थी। और प्रेशर इंटर मिलान पे ज़्यादा था नहीं, बिकॉज अंडरडॉग्स थे वो, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत ब्रेव, पूरा उनको क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जो क्वालिटी थी मैन सिटी की वो शाइन थ्रू कर गई, और एक जो मोमेंट था वो ग्रैब कर लिया रॉड्री ने। बट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंटर मिलान। आई थिंक अच्छा सीज़न रहा है यार उनका। कोपा इटालिया जीत लिया, सुपर कोपा जीत लिया, चैम्पियंस लीग के फाइनल तक गए और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो सही है, मतलब मेरे हिसाब से उनका सीज़न अच्छा था एंड क्रेडिट गोज टू सिमोन इंजागी एंड इंटर मिलान। लेकिन अब बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की। तो सबसे पहली बात तो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तो है ही टू ऑल द मैन सिटी फैंस। अब जो भी देखिए मैन सिटी को ये बोलता है ना कि ऑयल क्लब हैं, हिस्ट्री नहीं है, नया पैसा, FFP ब्रीच। अब देखिए FFP ब्रीच और जो पैसा है ना वो जब प्रूव होगा ना तब उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी जो ऑन फील्ड हुआ है ना उसको आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, आई फील जेलस ऑफ मैन सिटी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चेल्सी को मैन सिटी बनना था। चेल्सी वो एक क्लब था जो नया पैसा लेके आया था लीग में, आते ही जोसे मरीनियो को साइन किया, द चैंपियंस लीग विनिंग मैनेजर। 2 बैक-टू-बैक लीग जीती जोसे मरीनियो ने, पहले सीजन में बहुत अच्छे रिकॉर्ड सेट करे और एक बेंचमार्क लेके आए जोसे मरीनियो की कैसे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश क्लब्स हैं लाइक आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनको हिलाया जा सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दें और एक सुपर स्क्वाड असेंबल कर देता हूँ। लेकिन चेल्सी उसको सस्टेन नहीं कर पाई, मे बी बिकॉज रूथलेसनेस, मैनेजर्स के साथ स्टिक ना करना, एक क्लियर डायरेक्शन में ना जाना। बट इट वर्क फॉर चेल्सी, ट्रॉफीज जीतते थे, लेकिन एक टाइम के बाद वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं हासिल कर पाई चेल्सी। फिर चेल्सी की तो क्या ट्रेजेक्ट्री अलग हो गई। इनकम्स मैन सिटी, सेम मॉडल, पैसा खर्च करना है, लेकिन बैक रूम और ऑन फील्ड ऐसे लोग हैं जो एक साथ इनसिंक और सिनर्जी में काम करेंगे, ओनर्स, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, पेप गार्डियोला खुद। टीम जो है हैंडपिक होगी मैनेजर की, मैनेजर को बैक किया जाएगा, एक प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, अकेडमी डेवलप की जाएगी और उसका अब आप नतीजा देख सकते हैं। प्रीमियर लीग की तो डोमिनेशन एक तरफा हाई मैन सिटी की, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। जिस तरीके से कंसिस्टेंटली मैन सिटी सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स में पहुंच रही थी ना चैंपियंस लीग के, थोड़ा सा ही मतलब वो था कि कभी भाई लक साथ दे देगा तो मैन सिटी जीत जाएगी, क्योंकि कभी बैड लक की वजह से, कभी वीआर डिसीजंस की वजह से, कभी खुद आउट प्ले हो जाना और टैक्टिकल मिस्टेक्स, तो हर तरीके से मैन सिटी बाहर हो चुकी थी। लेकिन एक टीम जो इतना कंसिस्टेंटली पहुंचती है ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर 10 में से 10 बार वो पहुंच रहे हैं तो जीतेंगे ही नहीं, एक बार वो जीत जाएंगे और वो एक बार इस बार था। आई थिंक ये फ्लूक नहीं था। और जिस तरीके से मैन सिटी की टीम और जो इंस्टीट्यूशन है ये जिस तरीके से रन होता है, तो इसमें साफ पता चलता है कि जो सक्सेस है सिर्फ अंधा पैसा फेंकने से नहीं आई है, इसमें एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरीके के आप प्लेयर साइन करते हैं, जिस तरीके की आप टीम असेंबल करते हैं, आप पेप गार्डियोला को देखिए जब वो आए थे और आज की तारीख में जो टीम है, सीमलेस ट्रांजिशन हो गया, हमको पता भी नहीं चला। एक सीज़न ज़रूर उन्होंने स्ट्रगल किया था बीच में जहाँ लिवरपूल लीग जीत गई थी, लेकिन उसके अलावा वो हर सीज़न कॉम्पिटिटिव रहे हैं। और आज की तारीख में पेप गार्डियोला के हाथ पर ऐसी टीम है कि 11 के 11 प्लेयर्स जो ऑन फील्ड खेलते हैं वो उनके हैंड पिक्ड हैं और बेंच पे भी वही प्लेयर्स हैं जो उनको चाहिए, प्लस एकेडमी से वो प्लेयर्स आ रहे हैं जो वो चाहते हैं कि इस टीम में खेलें। तो जब आप एक इंस्टीट्यूशन बना देते हैं ना, तो आप सक्सेस जो है उसको पाके ही रहेंगे। और मैन सिटी इस चीज़ का एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास पैसा है तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से आपको फील्ड पर रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं। ऑयल मनी, प्लास्टिक क्लब, ये वो बोलने दीजिए, जो बोल रहे हैं इस चीज़ को उनको बोलने दीजिए। ट्रेबल जीत लिया, अब इसके अलावा और कुछ पॉइंट प्रूफ करने के लिए है नहीं किसी के पास भी। तो सक्सेस जो है एक क्लियर डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं उस चीज़ से आती है। और अगर आपके पास पेप गार्डियोला जैसा मैनेजर है, मेरे हिसाब से तो जितने मैनेजर्स मैंने देखे, आई थिंक पेप से बेटर मैनेजर मैंने नहीं देखा अपने लाइफ टाइम में। ऑब्वियसली नो डिसरिस्पेक्ट टू सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जोसे मरीनियो, कार्लो एंचेलोटी, आर्सन वेंगर, बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स हमने देखे, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग लीग्स में जाके अपने आप को प्रूव किया पेप गार्डियोला ने, हर सीजन इवॉल्व करते हैं अपने आप को, प्रीमियर लीग को फार्मर्स लीग बना के छोड़ दिया है। अब किसी भी एक प्लेयर पे डिपेंडेंसी नहीं है। आज की तारीख में आप अर्लिंग हालैंड को भी निकाल दोगे ना इस टीम से, तो भी मैन सिटी उतना खराब परफॉर्म नहीं करेगी। इनफैक्ट लिवरपूल वाला मैच आप देख लो फॉर एग्जांपल, अर्लिंग हालैंड वाज नॉट अवेलेबल, 4 गोल मार दिए मैन सिटी ने। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप है और जाओ कंसेलो का जाना ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित हो गया मैन सिटी के लिए। तो ये एक अथॉरिटी है पेप गार्डियोला की इस टीम पे। बार्सिलोना में भी सेम चीज़ करी थी, जैसे ही पेप गार्डियोला आए उनको लगा रोनाल्डिनियो कुड बी अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन लियोनेल मेसी और बाहर कर दिया रोनाल्डिनियो को। एक बहुत ही ब्रेव स्टेप उस टाइम पे। याया टूरे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे उस टीम का, उनको भी हटा दिया, ज़्लातन को हटा दिया वो रिफ्ट होने के बाद। इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं और टीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इस बंदे की ग्रेटनेस है। तो पेप गार्डियोला की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, लेकिन आई थिंक मैन सिटी फैंस जो भी आपको बोल रहा है कि हिस्ट्री नहीं है, ये नहीं है, कोई ध्यान ही मत दो भाई, सब जीत लिया, इन्जॉय करो अपनी विक्ट्री को। जिसको जो बोलना है बोलने दो। आज की तारीख में एवरी क्लब wants to be मैन सिटी, हर बंदा चाहता है कि उसका क्लब मैन सिटी की तरह रन हो, मैन सिटी की तरह ट्रॉफीज जीते और मैन सिटी की तरह परफॉर्म करे सीजन आफ्टर सीजन, इतना कॉम्पिटिटिव होकर लीग में डोमिनेट करे और चैंपियंस लीग जीते। और ट्रेबल जीतना आज की तारीख में हर फुटबॉल फैन का सपना होता है। तो मैंने जैसा कहा कि जो मैन सिटी ने किया, चेल्सी को वो करना था, लेकिन मैन सिटी आती है और उस मॉडल को परफेक्ट कर दिया उन्होंने और रिजल्ट आपके सामने है। इट हर्ट्स मी टू से, बट हाँ ऐसे ये सच्चाई है। लेकिन इस सब में एक जो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि अपने भाई प्रणय को मौका मिला इस हिस्टोरिक इवेंट को देखने का लाइव अपनी आंखों के सामने। जब प्रणय ने मुझे बताया कि ही वॉज गोइंग फॉर द फाइनल, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैंने वो अभी राउंड ऑफ 16 में एक्सपीरियंस किया था चेल्सी डॉर्टमंड वाले मैच में, और मुझे पता है कि आप अपनी टीम को जब लाइव खेलते हुए देखते हो तो आपको कैसा लगता है। टिकट नहीं थी प्रणय के पास, हसल किया प्रणय ने, वहाँ पर जाके टिकट जुगाड़ी और मैन सिटी को ट्रेबल जीतते हुए देखा। मुझे एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर फॉर प्रणय बहुत अच्छा लगा। और मतलब इसलिए भी मैं चाह रहा था कि मैन सिटी जीत जाएगा, वरना प्रणय का मूड ऑफ हो जाता। और मेरे लिए हमेशा दोस्ती ऊपर रहेगी किसी भी राइवलरी से, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि ऑब्वियसली आई एम फीलिंग जेलस ऑफ मैन सिटी सक्सेस बिकॉज आई वॉन्ट चेल्सी टू बी दैट एंड आई होप चेल्सी विल बी देयर। इसमें मैं फेथ पूरा रख रहा हूँ अपनी टीम में और कैसे चेल्सी घुसा रहा हूँ मैं मज़ेदार तरीके से चैंपियंस लीग फाइनल में। बट हाँ, प्रणय के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड गाइज, अगर आप भी किसी भी टीम को सपोर्ट करते हैं तो मतलब बिलीव करिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए कि आप भी अपनी टीम को एक बार खेलते हुए तो देखेंगे इतने बड़े मैच में स्टेडियम में। बट ऑल एंड ऑल एक बहुत ही बढ़िया सीज़न रहा ये। मैन सिटी ने जिस तरीके से डोमिनेट किया, इस मैच की मैं बात करूँ तो नॉट वन ऑफ मैन सिटीज़ बेस्ट परफॉर्मेंस। इंटर अच्छा खेली लेकिन मैन सिटी मुझे लगा सरकमस्पेक्ट थी, थोड़ा सा थोड़ा भांप रहे थे वो अपोनेंट को। उसके बाद उन्होंने अपने पत्ते खोले सेकंड हाफ में। इंटरेस्टिंग चीज़ तब हुई जब केडीबी को इंजरी होती है और अगेन यू हैव टू फील फॉर केविन डे ब्रुयना। दूसरा चैंपियंस लीग फाइनल जो खेल रहे हैं 3 साल में, उसमें फिर उनको एक इंजरी हो जाती है और वो मैच पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन केविन डे ब्रुयना की इतनी कमी खली नहीं। जब फिल फोडन आए, आई थिंक जितनी क्रिएटिविटी फिल फोडन ने दिखाई और जो उनका इम्पैक्ट था वो भी काबिले तारीफ था। बहुत अच्छा गेम रहा उनका और उन्होंने आके 2-3 अच्छे चांसेस भी बनाए। एक चांस उनको खुद को मिला था जो कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सेव किया। उन्होंने की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी इस गेम में, जिस तरीके से वो एक ऑलमोस्ट वर्चुअली एक एक्स्ट्रा डिफेंडर की तरह खेल रहे थे, प्लस शॉट्स जो उन्होंने 2-3 रोके वो भी बहुत बेहतरीन थे। तो मैंने जैसा कहा कि ये स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। केडीबी अगर इंजरी से बाहर होते हैं, फिल फोडन आते हैं और एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे देते हैं पाया। लेकिन रॉड्री, व्हाट अ गोल, एंड रॉड्री, स्टोन्स, ये जो प्लेइंग 11 है ये फिगर आउट कर लिया है पेप गार्डियोला ने कि उनकी बेस्ट 11 है। और रॉड्री ने अगेन एक बहुत ही क्लच मोमेंट पे गोल स्कोर करके दिखाया कि वाई ही इज़ दी बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। इसमें तो कोई डाउट नहीं। बहुत ही क्रूशल गोल। अगेन इंटर लेट देमसेल्व्स डाउन, थोड़ा सा वहाँ पे फिनिशिंग की बेहतर ज़रूरत थी। लेकिन मैन सिटी अगेन गेम और थोड़ा सा बेटर उनको मैनेज करना। लेकिन अब आप ट्रेबल जीत गए तो आपकी गिनती अब इमॉर्टल्स में हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये टीम बेटर है कि वो टीम बेटर थी, कि बायर्न 19-20 बेटर है, बारसा 14-15 बेटर है, ये सब डिबेट में पढ़ना ही नहीं है। ट्रैवल मतलब ट्रैवल, एक ट्रैवल हमारा ट्रैवल अच्छा था, हमने तुमसे बेहतर तरीके से ट्रैवल जीता था, ये सब नहीं होता है। बट हाइपोथेटिकल अगर इस पर डिस्कशन करनी है तो की जा सकती है। लेकिन ट्रैवल जीतने वाले ब्रैकेट में अगर आप आ जाते हो तो यू हैव डन इट ऑल। और अर्लिंग हालैंड ने आके पहले ही सीजन में ये सब कर लिया। बैलन डॉर वाली तो मैं डिस्कशन में भी नहीं जाऊँगा बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस। इस समय मुझे लगता है कि इस समय मैन सिटी फैंस को एंजॉय करना चाहिए। कुछ क्लब्स की हिस्ट्री ऑलरेडी होती है। मुझे तो ये आर्ग्यूमेंट ही समझ नहीं आता कि आपके क्लब की कोई हिस्ट्री नहीं है, आपके क्लब ने कुछ नहीं किया है। भाई ये क्लब अपनी हिस्ट्री खुद बना रहा है और अभी जो फैंस हैं वो बनते हुए देख रहे हैं इसकी हिस्ट्री। तो आज जो हुआ है, आज जो ट्रेबल जीती है मैन सिटी 60 ईयर्स बाद, 70 ईयर्स बाद, ये हिस्ट्री हो जाएगी। अब ये दर्ज हो गया इतिहास के पन्नों में कि 2022-23 सीजन वॉज डोमिनेटेड बाय मैनचेस्टर सिटी। और द स्केरी पार्ट इज कि ये टीम अभी बस शुरुआत ही कर रही है। ये जो नया बैच ऑफ प्लेयर्स आया, ग्रीलिश, अर्लिंग हालैंड, जूलियन अल्वारेस, और अभी तो और साइनिंग्स होंगी मैन सिटी की। और ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि केडीबी और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनसे कैसे मूव ऑन करती है मैन सिटी जब वो अपने थोड़ा सा एंड ऑफ द करियर आएंगे। बट जैसा मैंने कहा कि इसी सब चीज़ों में तो माहिर है पेप गार्डियोला। इसी तरीके से तो एक मैन सिटी को उन्होंने अनस्टॉपेबल फोर्स बना दिया है। तो इसी के साथ हमारा सीजन खत्म होता है। एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू मैन सिटी फैंस। आप एंजॉय कीजिए, ये मोमेंट आपका है। व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट ऑफ द सीजन? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इस मैच की, इस कैंपेन की बात और डिटेल में करेंगे किसी लाइव स्ट्रीम में। बट अभी के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं आपसे जल्दी। जब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड पीस।